अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, हालिया दिनों पाकिस्तान टेलीविज़न पर तुर्की ड्रामा अर्तुगरल नशर हो रहा है। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के जद अमजद अर्तुगरल की ज़िंदगी के नशेबो फराज पर मबनी है, और इसी ड्रामे में एक पुरनूर चेहरे की हामिल हस्ती को अर्तुगरल के रूहानी मददगार के तौर पर भी दिखाया गया है। ये शेख अकबर मुहियुद्दीन अरबी हैं। इब्न अरबी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। ये 12वीं सदी के एक अजीम फलसफी, मुफक्किर और मुहक्किक हैं, जिनका शुमार इस्लाम के चंद अहम दानिश्वरों और सूफिया इकराम में होता है। तकरीबन 800 किताबों के मुसन्निफ इब्न अरबी को सूफिया ने शेख अल अकबर का खिताब दे रखा है, और आज तक ये लकब किसी को नहीं दिया गया। आप अरब के कबीले बनी तय से ताल्लुक रखते थे, जो अपनी सखावत के बाइस ना सिर्फ अरब बल्कि तमाम दुनिया में मशहूर व मारूफ है। हातम ताई नामी मशहूर जमाना शख्सियत भी इसी कबीले यानी तय से थी। हातम ताई की औलाद में से एक सूफी घराने ने उंदलस यानी स्पेन आकर रिहाइश इख्तियार की, जिसमें कुछ नस्लों बाद इब्ने अरबी पैदा हुए। इब्ने अरबी के वालिद, दादा और मामू का शुमार उंदलस के बड़े उलमा और अहले तसव्वुफ में होता है। इब्तदा में इब्न अरबी का रुझान तसव्वुफ और तज़किया की जानिब नहीं था, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। क्योंकि आपके वालिद रियासत के वजीर थे, इसलिए शहर के रईसों की महफलों में शिरकत करना आपका मामूल था। जब आपकी उम्र 20 बरस थी, तो एक दिन आप अशबीला के किसी अमीर की दावत में मदऊ थे। खाने के बाद जब शराब का दौर चला, तो आपने भी जाम लेकर पीना चाहा, लेकिन आपको एक गैबी आवाज़ सुनाई दी, ऐ नौजवान, तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। इस आवाज़ ने इब्नुल अरबी पर न जाने कैसा असर किया, और आपने अपना शाहाना लिबास तर्क करके एक चरवाहे का लिबास पहनना शुरू कर दिया, और ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर फिक्र को अपना शार बना लिया। इसके बाद शेख इब्नुल अरबी ने तरवीज इस्लाम की खातिर अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के कई ममालिक और शहरों का सफ़र किया। इसी दौरान आपने सैकड़ों जख़ीम किताबें भी तहरीर की, जो आज तक अहले तसव्वुफ के लिए रहनुमाई का दर्जा रखती हैं। बाज़ लोगों की राय में इब्नुल अरबी कामिल वली, कुतुब जमा और इल्म बातनी में ऐसी सनद थी, जबकि उलमा का एक ग्रोह इब्ने अरबी पर ना सिर्फ कुफर के फतवे आयद करता है, बल्कि उसके मुताबिक वो बदतरीन किस्म के मुलहिद थे। बाज़ बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां, मसलन इब्ने तैमिया, इब्ने खल्दून, इब्नुल अरबी की मुखालफत में काफ़ी सरगर्म रहे। हाफिज इब्ने तैमिया इब्ने अरबी के मुतालिक लिखते हैं कि अहले इलम और अहले ईमान में से किसी ने भी हैरत की तारीफ नहीं की, लेकिन मुल्हिदीन के एक ग्रोह ने उनकी तारीफ की है। जैसे इब्नुल अरबी और इस जैसे दूसरे मुल्हिदीन जो हिरानों परेशान हैं, बहवाला फतावा इब्ने तैमिया। जबकि हाफिज इब्ने जैर अस्करानी इब्ने अरबी के बारे में कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम सराजुद्दीन से इब्ने अरबी के बारे में पूछा, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि वो काफिर है। तफसीर इब्ने कसीर के मुसन्निफ हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं, और उसकी किताब जिसका नाम फसूस अल हुक्म है, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कुफर सरी है। इब्नुल अरबी के बारे में मुल्ला अली कारी ने कहा कि इब्नुल अरबी की जमात के कुफर के बारे में शक न करो, और ऊपर बयान की गई तमाम बातें शेख इब्नुल अरबी के अकीदा वहदतुल वजूद के बारे में की गई हैं। वहदतुल वजूद एक सूफियाना अकीदा है, जिसकी रूह से इस दुनिया में जो कुछ नज़र आता है, वो खालिक़े हकीकी ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अक्सर मुसलमान उलमा इस अकीदे को नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं। उनके मुताबिक इस अकीदे का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इसी वजह से उलमा और मुहद्दिसीन के एक ग्रोह के नज़दीक इब्न अरबी और वहदतुल वजूद का अकीदा रखने वाले दीगर लोग गुमराह हैं और गुमराह करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही दुनिया के बेशतर सूफिया और मशाइख इब्न अरबी को एक वली कामिल और अपना रहबर मानते हैं। उनके नज़दीक शेख अकबर इब्न अरबी की तमाम तर तालीमात कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। खुदा के वजूद से मुतल्लिक इब्न अरबी का फ़लसफ़ा ऐन तौहीद के मुताबिक है। शेख इब्न अरबी के मानने वालों के मुताबिक इब्न अरबी की तालीमात काफ़ी वसी और फलसफियाना हैं, इसलिए बहुत से आइमा उनकी बातों की गहराई को समझ ही न सके। जबकि दौरे हाजिर के कई इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी इब्न अरबी पर लगाए गए इन तमाम इल्ज़ामात को ना सिर्फ मुस्तरद किया, बल्कि उनके इल्म जहानत की तारीफ भी की है। हज़रत इब्न अरबी तारीख़ इस्लाम में एक ऐसे मुनफरिद मुसन्निफ़ हैं, जिनकी मुखालफत और मुवाफ़कत में बड़े बड़े लोगों ने सदियों से हिस्सा लिया।
और आज भी उनकी तसनीफात मार्ज़े बहस हैं। शेख इब्न अरबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मुखालफत की परवाह ना की और ना ही किसी से मुनाजरा किया, बल्कि खामोशी से लोगों की बातों को सुना और अपना इल्मी काम जारी रखा। और इसीलिए आज इब्न अरबी इस्लामी फ़िक्र का अजीम सरमाया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें।